नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में स्मार्ट सिटी कुछ इस रूप में देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण हम आपको दिखाएंगे नवी मुंबई आवाज़ चैनल के माध्यम से। कोकण भवन सिरौनी भुयारी मार्ग सानपाड़ा भुयारी मार्ग किस तरह से पानी में डूबा हुआ है, और कोकण भवन में बारिश से बुरा हाल होने की वजह से लाइट कटौती और पूरा काम ठप कर दिया गया है। बारिश की शुरुआत काफ़ी जोरों शोरों से जारी है नवी मुंबई शहर में। वही जगह हम नवी मुंबई शहर के एक कोने कोने में जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सिरौनी भुयारी मार्ग, यहाँ पर किस तरह की समस्या हो रही है, लोगों को किस तरह से लोग आ रहे हैं। अभी पहले ही बारिश की शुरुआत हुई है, इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। वही जगह खासतौर पर आपको बता दें, ये वार्ड जो है नवी मुंबई महापौर जेडी सुतार के हाथों में आता है। अगर जेडी सुतार जैसे नागरिकों के हाथों में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तो आम नगर सेवकों को क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है नवी मुंबई के लिए। इसी विषय को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष नितिन कंधारी ने अपनी राय व्यक्त की है। उनका मानना है कि इन समस्या का समाधान पहले क्यों नहीं होता, जो आज यहाँ पर किया जा रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्ट लेती है, जनता का करोड़ों रुपया खर्चा होता है, अवार्ड मिलते हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है, खुशी है। लेकिन अगर बात करें बारिश की, जैसे कि मैंने कल और परसों कमिश्नर साहब को, नवी मुंबई महानगर म्युनिसिपल कमिश्नर को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दोनों जगह ट्वीट किया कि शबरी जैसे एरिया में भी पानी भर गया है, क्या किया जा रहा है। ठीक है, माना इस बार बारिश ज़्यादा है, उसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन ये बारिश होनी है, ये तो प्रशासन को मालूम है कि हर साल बारिश होनी है, तो नाले पहले क्यों साफ़ नहीं किए गए। जब मेन रोड में ये हालत थी, तो हमने सोचा चलो अंदर एरिया रिमोट एरियाज में जाके देखें। आज हमने महापौर एरिया साहब का देखा एरिया, वहाँ पर सबवे में पानी भरा हुआ है, अभी जाके उन्होंने पंपिंग मोटर लगवाई है कि वहाँ से पानी निकाला जाए, ये सब पहले क्यों नहीं किया। पानी भर रहा है, बच्चे बूढ़े वहाँ पे चल रहे हैं, कभी कोई फिसल सकता है, कोई गिर सकता है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, बीमारियाँ हो रही है, फ्यूमेशन चालू है कि नहीं, पालिका ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, जनता को बताया जाए। जनता का पैसा है, जनता के लिए आप बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि जनता की जान के साथ मत खेलिए और जनता को बेसिक सुविधा दीजिए। रोड पे कोई नज़र नहीं आ रहे, कोई कॉरपोरेटर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कुछ काम हो रहा है, जनता का ख्याल रखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वही जगह नागरिकों का मानना है कि हर साल इसी तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हमेशा का है, बहुत साल हो गया ऐसा ही है, ये टेम्पररी आते कुछ करते, अभी देखो उधर पाइप लगाए है, मोटर चालू किए है, वो खाली दिखावे के लिए, बाकी हर बारिश में यही हालत है। आम पब्लिक के लिए कोई मायने नहीं रखते, कॉरपोरेटर हो या मिनिस्टर का हो, उसको खाली तकलीफ साल हो गया, बस हो गया। तो देखो अभी आपके सामने दिख रहा है गाड़ी, अभी थोड़ा बारिश और थोड़ा जल्दी जाएंगे तो पूरा गाड़ी बंद पड़ेगा, आदमी को चलने के लिए कुछ ये नहीं है, अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, बस ये हल करना मांगता ना, परमानेंट सोल्यूशन निकलना मांगता इसको। ये हर साल में इधर जो अभी देखो आपके सामने गाड़ी का ले लो फोटो, देखो इधर से मुड़ रहा है गाड़ी, सब गाड़ी डैमेज होता है, खराब हो जाता है, सब देखो बाइक वाले देखो आधे से वापस आ रहे हैं, ये देखो आधे से वापस घूम रहा है पानी, अभी थोड़ा कम हो गया, ये तो कमर तक पानी रहता ही है। अभी ये जो पानी है, पानी से दिक्कत हो रही है, पानी अगर क्रॉस करेंगे तो गाड़ी बंद पड़ जा रही है। अभी ये 5 साल से जा रहे हैं, लेकिन ये हर टाइम का यही है, बस कुछ नहीं, ये पानी का जो है ये इसका ही कुछ तो ये करना पड़ेगा इन लोगों को। मेरे ख्याल से इधर बना है उससे ही चालू है वो, हमें 5 साल हुआ इधर से, तो ये लोग का ये जो पुल है ना वो एकदम खड्डे के अंदर है, और उधर से ऊपर से स्लोप जो है वापस पानी रिटर्न इधर आ रहा है, वो फिर वापस वो पानी इधर जमा होता है, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो वो लोग ने करना मांगता है, यहाँ के महापौर है जयवंत सुतार जी, उनके अंडर में वो लोग ने जल्दी करना मांगता है, उनके बाजू में मंदिर भी है भगवान का, गणपति का, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, गंदा पानी से अंदर जाना पड़ता है मंदिर के अंदर, जल्द से जल्द करना चाहिए, अभी बहुत तकलीफ हो रहा है। नवीन मुंबई पर रायड आल्यापासून तो असंच आहे अशी परिस्थिती, गेली 2000 साली आम्ही रायड आल्यापासून पावसाळ्यात ही समस्या आहे, अद्याप तिची सुट झालेली नाही,
सक्षम आहे तसं नाही म्हणता येत नाही, परंतु हे काम कसं अडचणीचं आहे काही समजत नाही. किती दिवस झाले नेहमी पावसाळा आला का याच भरतंय, काहीच करू शकत नाही. याला उपाय त्या शासनाने करून ठेवले. मी आल्यापासून बघतोय तिथे इंजिन लावलेली आहेतच पहिल्यापासून, पण याला ठोस उपाय अजून काही झालेला नाही. इसी गंभीर विषय को लेकर महापौर जयंत सुतार ने कहा है कि महापौर निधि से सिरौली भुजारी मार्ग की समस्या को सुधार में लाया जाएगा और आने वाले समय में पानी को निकालने के लिए पंपिंग भी जारी की जा रही है. यापूर्वी एक उपाय योजना म्हणून कितना एडिशनल गटर काढावा म्हणून आणि त्या पद्धतीने ते गटराचं काम मी महापौर निधि सुद्धा दिलं, परंतु ते तातडीनं करायची भूमिका त्या ठिकाणी झालेली नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी जो पाणी साचण्याचा प्रकार झालेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पश्चिम बाजूचा जो शिरवण्याचा भाग आहे, पश्चिम बाजूचा सर्व गाव गावठाण असेल हा पाणी तेथील नाल्यामध्ये येतो आणि पहिला पाऊस एवढा पडल्यानं त्या ठिकाणी पुढच्या म्हणजे अंडरपासच्या पुढे जो गटर आहे त्या गटरामध्ये तो गाळ साचलेला आहे. ओके. पाणी कमी झाल्यानंतर तो घाल इमिजिएटली काढायला पाहिजे. अप टू जे मंदिराचं गणेश मंदिराचं प्रवेशद्वार आहे पर्यंत तो घाल जर काढला तर निश्चित स्वरूपामध्ये पूर्ववत ते गरज भासणार नाही पंप वगैरे लावायचं. आता पाऊस सुरू होऊन संपूर्ण घाल आता तिथं त्या नाल्यामध्ये आलेला आहे. आता पाऊस थोडा थांबेल त्यावेळी तो घाल काढतील त्यावेळी सुरळीतपणा होईल तो. नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवी मुंबई और पनवेल की ताजातरीन खबरें.